प्रसार भारती प्रस्तुत करता है नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से तैयार कार्यक्रम स्टोरी लाउंज। स्टोरी लाउंज में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कुसुम लता सिंह की लिखी कहानी छोटी चींटी की बड़ी दावत। कहानी सुना रही हैं कहानीकार कुसुम लता सिंह। छोटी चींटी की बड़ी दावत। कहानी कुछ यूं है कि इस साल भी सावन भादो सूखे निकल गए, पिछली बार ही बादल देखने को आंखें तरस गई थी। अब तो जंगल में हरियाली ख़त्म हो गई थी। परेशान पशु पक्षी आसमान की ओर देखते और कहते, काले बादल जल्दी आओ, पानी तुम बरसाओ। पर पानी नहीं बरसा तो नहीं बरसा। जंगल के जानवर भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। सभी जानवर एक जगह तब इकट्ठा हुए और शेर राजा के पास पहुँचे। महाराज, आप तो जानते ही हो इस साल भी पानी नहीं बरसा है। इस अकाल की स्थिति में हमारे खाने के लिए कुछ नहीं रह गया है। हमारे बच्चे भूखे प्यासे हैं, क्या करें? सभी पक्षी तोड़ गए, हम कहाँ जाएं? आप महाराजा हैं, हमारे लिए कुछ प्रबंध करिए। यह कहते हुए जानवर रोने बिलखने लगे। शेर बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, धरती के ऊपर तो अब सचमुच कुछ बचा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। सुनते हैं कि ज़मीन के अंदर भी खाने के लिए बहुत कुछ होता है, पर उसे खोजा जाए तो कैसे खोजा जाए? भीड़ से बिल से सांप निकला और आगे आकर बोला, महाराज, सच है कि ज़मीन के नीचे खाने और पीने की चीज़ों का भंडार है, लेकिन उसे ऊपर कैसे लाया जाए, इसका कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर गधे को गुस्सा आ गया। यह भी कोई बात हुई कि ज़मीन के नीचे खाने का भंडार है, खाने का भंडार है? अरे होगा, जब हमें भूखों ही मरना है तो भंडार रहा करे, हमारे किस काम का है भंडार? तभी खरगोश से पूछा गया, सुना है कि ज़मीन के नीचे भी खाने पीने की चीज़ें हैं, तुम तो सुरंग बनाकर रहते हो, तुम तो अवश्य जानते होगे, क्या यह बात सच है? खरगोश बोला, बात तो 16 आने सच है। ज़मीन में नीचे तो बहुत बड़ा भंडार है, पर वह हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि उसे बाहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है। छोटी सी चींटी खुद को दूसरे जानवरों के पैरों के नीचे आने से बचाने की जुगत लगाते हुए यह बातचीत सुन रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं सोचती हूँ कि सबको थोड़ा बहुत बचाकर ज़रूर रखना चाहिए। यह सोच करके न जाने कब ज़रूरत पड़ जाए। मैंने उसकी बात अभी पूरी नहीं हुई थी, उसके पहले ही हाथी और भैंसा गुस्से से बोले, मैं रिरियाने वाली इस छोटी छोटी चींटी को तो देखो, हमारा मजाक उड़ा रही है, हमें नहीं सुना तुम्हारी बकबक। यह सुनकर शेर को गुस्सा आ गया, हमारे राज्य में सबको बोलने का बराबर का अधिकार है, कोई छोटा बड़ा नहीं। आप लोग चींटी को अपनी तो बात पूरी करने दें। चींटी ने फिर हिम्मत बटोर कर कहा, मैंने अपनी बिल में खाने की कुछ चीज़ें बचा कर रखी हैं, मैं उसे लेकर आती हूँ। इस कठिन घड़ी में सभी लोग उसी से काम चलाएं। यह कहते हुए चींटी अपने बिल की ओर चल दी। यह देखकर इतनी गंभीर घड़ी में भी कई जानवरों की हंसी निकल गई। सभी सोचने लगे, कहाँ हाथी और कहाँ चींटी की खुराक। कुछ ही देर में चींटी आई और चार दाने अपने ले आई। हाथी ने चार दाने देखे तो चिघाड़ कर बोला, ओ चींटी, इन दो चार दानों से जंगल के सब जानवरों का पेट भरना चाहती हो? शेर बोला, हाथी जी, आप बेवजह गुस्सा कर रहे हैं। तुम यह सोचो कि इस नन्ही सी चींटी ने अपने लिए जो कुछ बचा कर रखा था वह ले आई है, और तुम हो कि उल्टा सीधा कह रहे हो। शेर की बात सुनकर चींटी बोली, महाराज, हम सभी चींटियों ने जो कुछ भी अपने बुरे दिनों के लिए बचा कर रखा था वह कुछ ही देर में आपके सामने हाजिर हो जाएगा। उसकी बात ख़त्म होते होते लोगों ने देखा कि यह क्या, देखते ही देखते हजारों चींटियां कतार बनाकर अपने अपने बिलों के अंदर से खाने की चीज़ें बाहर निकालकर ढेर लगाने लगीं। देखते ही देखते वहां पर खाने के सामान का पहाड़ खड़ा हो गया। यह देखकर सभी हैरान हो गए। सबको भूख तो लगी ही थी। जानवरों ने छक कर चींटियों की यह बड़ी दावत उड़ाई। कई दिनों बाद भरपेट खाना मिल पाया था। जैसे ही जानवर अपने अपने घर की ओर इस दावत के बाद जाने लगे, शेर बोला,
दोस्तों, आप सभी को चींटियों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने मुसीबत में आपकी मदद की। आप सब मुझसे वादा करिए कि कभी किसी चींटी को जानबूझकर पैर से नहीं दबाएंगे। और सभी ने यह शपथ ली। इधर आकाश के बादलों ने चींटियों का यह परिश्रम देखा और उनका दान देखा, उनकी दावत देखी, जानवरों की परेशानी देखी। देखते ही देखते काले बादल आसमान में छा गए और खूब झमाझम पानी बरसने लगा। तभी तो कहा जाता है कि जब झुंड की झुंड चींटियाँ अपने बिलों से बाहर निकलने लगें तो समझिए कि पानी बरसने वाला होता है। जंगल में पानी की बरसात देखकर जानवर खुशी से नाचने और गाने लगे। काले बादल आए झमझम पानी लाए, काले बादल आए झमझम पानी लाए। और तब से चींटियाँ जंगल में बेरोक टोक घूमने लगीं। जब बारिश बंद होती है तो वे फिर परिश्रम से खाने पीने का सामान अपने बिल में इकट्ठा करने लगती हैं, क्योंकि न जाने फिर जानवरों की दावत करनी पड़ जाए तो छोटी चींटी की यह चिंता रहती है। छोटी चिंटी की बड़ी दावत। अभी आप सुन रहे थे कुसुम लता सिंह से उनकी लिखी ये कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। और हम आपको ये भी बता दें कि कल आप सुनेंगे SI फारूकी की लिखी कहानी नीम बाबा। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। बाय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रसारण की प्रस्तुति थी।